प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश इंचार्ज वैजयंत जय पांडा और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पांडव नगर पहुंचे और इस मौके पर शाहदरा जिला बीजेपी अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, निगम पार्षद गोविंद अग्रवाल के अलावा कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम देश को जोड़ने का काम करता है, साधारण नागरिकों की सफलता को लोगों तक पहुंचाने और इसी के साथ ही प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो वहीं आदेश गुप्ता ने कहा कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था करता है, जहां एक स्थानीय लोग इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनते हैं। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा कि निगम चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी तैयार है, बूथ स्तर पर 10 मीटिंग आयोजित किए जाएंगे, दिल्ली में 1,00,000 से अधिक छोटी बैठकों का आयोजन होगा। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम पिछले इतने सालों से देश को इकट्ठा करना, एकजुट करना, जुड़ने का काम करता है, साधारण नागरिकों का सफलताएं के बारे सभी को बताने का काम और उत्साह करने का काम करता है, प्रोत्साहन देने का काम करता है। और हम भारतीय जनता पार्टी के जरिया हर बूथ में ऐसा कार्यक्रम करते हैं। आज शाहदरा जिला में 11 बूथ में ऐसे काम हम मिलकर मन की बात सुनने के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये बहुत ही प्रोत्साहन देता है सर। देखिए, पार्टी में हमने प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को कार्यक्रम होता, हर बूथ पर ये कार्यक्रम होता और आज पांडव नगर के 123 नंबर बूथ पे कार्यक्रम हुआ है। आगामी निगम चुनाव को भी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर छोटी छोटी 10 मीटिंग्स करने का निर्णय लिया है और बड़ी तेज़ी से हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ के कार्यकर्ता, हमारे मंडल और जिला के उस काम में लगे हैं और हम दिल्ली में 1,00,000 से अधिक इस तरह की छोटी बैठकें करके जनता का फीडबैक के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, कारपोरेशन निगम की उपलब्धियां और इसके साथ साथ हम केजरीवाल सरकार की नाकामियों के बारे में चर्चा करके एक बहुत अच्छा ये इसका संदेश जा रहा है और बूथ स्तर पर हमारी मजबूत इकाई है और हम निगम आने वाले निगम चुनाव को जीत 100% जीतेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।